यार क्या हाल है। मैं आज रेगुलर ऑफिस आया था तो इधर आया हूँ तो पता चला जी कि आज टेस्ट है, न्यू हायरिंग बैच हायरिंग हो रही है। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड शो यू गाइस के सॉफ्टवेयर हाउस में हायरिंग कैसे होती है। तो आइए आपको थोड़े से बिहाइंड द सीन्स एंड बिहाइंड द कर्टन्स दिखाता हूँ कि हायरिंग टेस्ट कैसे होता है, माहौल क्या होता है। उस वक्त हम इस वक्त रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं तो तकरीबन 20-21 बच्चे आएंगे, कुछ आ गए हैं मेरे ख्याल से, एक दो ही अभी आए हैं। टाइम वॉक इन इंटरव्यूज़ किए हैं हमने, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल्स कर दी हुई थी और जो भी ग्रेजुएट फ्रेशीज का बेसिकली इंटरव्यू मैंने अपने जॉब पोस्ट भी की थी 2 हफ्ते पहले, तो प्रोसेस चल रहा था सारा। तो आज वो दिन है तो अब बच्चे वगैरह आने लग गए हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन्स है। ये सारे पेपर्स हैं देख सकते हैं आप, तो बाकी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी। और ये मुनीब भाई, मुनीब भाई कितने को बच्चे बुलाए हैं? ऑलमोस्ट 30 से आता था तकरीबन 27 इसमें से उन्होंने कहा था कि आएंगे और अभी कुछ फ़ोन करके जिनसे कंफर्मेशन मिली है वो तकरीबन 23-24 है। अच्छा, तो टाइम क्या रखा है पूरे टेस्ट का प्रोसीजर? टेस्ट तकरीबन 1.5 to 2 hours के लिए डिजाइन है। अच्छा, आप देखें कितने देर में। तो आज खाली रिटर्न टेस्ट ही है? आज रिटर्न टेस्ट होगा, तो जो ये पास आउट करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लेके ऑलमोस्ट प्रोबब्ली 2 to 3 days के अंदर नेक्स्ट वीक फाइनल। ये सारे फ्रेशर्स हैं? हां जी, फ्रेशर्स। अच्छा ठीक है, तो जैसा आपने सुना कि सिर्फ फ्रेश की हायरिंग हो रही है अभी, बाकी ये पेपर आपको दिखा दिए मैंने, कुछ बच्चे आ गए हुए हैं और कुछ जो हैं वो अभी आ रहे हैं रास्ते में। जो जो जैसे जैसे आता है, बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू रखा है बड़ा कैजुअल सा, तो कोई टाइम की पाबंदी वगैरह नहीं है ख़ास। बाकी जो जो आता जाएगा उसको पेपर देते जाएंगे और वो करता जाएगा, फिर 2-3 दिन तक उनके रिजल्ट्स ला के उनको सॉर्ट आउट करके और फिर जो कैंडिडेट पास होंगे उनको फिर मेरिट पे सिलेक्ट करके उनका इंटरव्यूज होंगे। बच्चे आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा और टेस्ट जारी है, 1.5-2 घंटे का टेस्ट बनाया है जैसा वो मुनीब भाई ने बताया आपको। बाकी 7 बजे तक टेस्ट चलना है, अपडेट ये है। वॉक इन है तो आते जाएं, करते जाएं, जाते जाएं, इस तरह चल रहा है ये। बाकी देखते हैं यार, और अगर कोई आप में से देख रहा है जिन्होंने टेस्ट दिया है तो बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट्स जो हैं सून अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये तो खैर आउट ऑफ द ब्लू व्लॉग एकदम जेन में आया, मैंने कहा चलो यार आप लोग उसे शेयर करते हैं कि क्या होता है। मतलब बड़ी अंदर में गया हूँ, प्रेशर था थोड़ा, इन्वायरमेंट काफ़ी टफ लग रही थी, लेकिन यार अब हमने भी इंटरव्यूज दिए हैं ऐसे ही होता है। तो आज मैं ऑफिस भी थोड़ा सा लेट आया था, तो मैं अपना काम करता हूँ। इनमें से किसी ने टेस्ट दिया तो उनसे रिव्यूज़ लेंगे टेस्ट के बारे में, ताकि आपको पता चले डायरेक्टली कि टेस्ट कैसा था, क्या फील होता है एक फ्रेशी जब टेस्ट दे के निकलता है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ाक। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप? तो अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं? अच्छा, तो अभी आपने टेस्ट दिया इस स्केचर्स में, तो आपको पता कैसे चला था टेस्ट का? सर इधर मेरा दोस्त है, वो एक काम कर रहा है, अब्दुल वहाब। अच्छा, उसके रेफरल से है, उसने रेफर किया इधर। आप अप्लाई करें तो मैंने वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया। अच्छा, मेरे सी वी सेंड किया, मुझे फिर कॉल आई, मैंने फिर एक दिन पहले कॉल आई थी, तो उसके बाद मैं आज टाइम स्केड्यूल हुआ था, फिर मैं टेस्ट लिया। तो आपको कैसा लगा टेस्ट?
हाँ टेस्ट शुरू में आसान भी था तो मुश्किल भी था, तो कंसेप्चुअल टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट था, दो घंटे का टेस्ट था, तो कंसेप्चुअल भी था थ्योरी बेस्ड भी था, तो काफ़ी अच्छा हो गया टेस्ट। अच्छा, तो बाकी कोई मसला वगैरह इधर का इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल, इजी है, कोई मतलब ऐसा प्रेशर वगैरह नहीं है, आसानी से। तो टाइम की लिमिट थी कोई एग्जाम में आप ना के आए? दो घंटे तो हो गया था टेस्ट आसानी से। अच्छा, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। चलें ब्रो, गुड लक यार आप अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा, जिन्होंने टेस्ट दिया उनसे मैंने पूछा, उनका रिव्यू वगैरह लिया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है ब्रो किसी किस्म की। टेस्ट आसान ही होता है, बस ये कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, नेटवर्किंग के हो गए, ऊप के हो गए, डेटाबेस के हो गए, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़े से एल्गोरिदम्स हो गए, बबल सॉर्ट हो गई, मर्ज सॉर्ट हो गया, उसका फिबोनाची सीरीज, मतलब इस तरह के जो बेसिक्स होते हैं जब आप ग्रेजुएट होते हैं फ्रेश आपके। हमें तो खैर रिवाइज़ करने पड़ते हैं, इतना अर्सा हो गया, लेकिन ये है कि आप जो स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनको पता होता है इन चीज़ों का, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं, तो मज़े का टेस्ट है। तो फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, आएंगी तो मैं अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर देता हूँ, सोशल मीडिया पे भी, तो आप अप टू डेट रहें। ये देखें जी, ये बच्चों की मेहनत है, जो लोग दे के गए हैं पेपर, ये उनकी मेहनत है, बिखरी पड़ी हैं टेबल पर, चेक हो रही हैं। हाँ जी एसन भाई, बच्चों की मेहनत पड़ी जा रही है। कितन क्या लगता है मुनीब, डिसअपॉइंटमेंट ही है? कितने बच्चों ने दे दी अभी तक? 1, 2, 3, 8-10 ने दे दिया। नहीं वो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। 11 तो 11 में से अभी तक कोई उम्मीद नहीं जागी। पता चले ना कितनी तैयारी करनी चाहिए फिर पेपर से पहले। अभी चल रहे हैं और एग्जाम चले। तो भाई आप लोगों ने देख लिया क्या हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। भाई कितने को हालात हैं अच्छे? बहुत बुरे हालात ये सीन्स हैं। तैयारी शारी कर लिया करो यार, बगैर तैयारी के ही देने आ गए सारे। एक ही शॉर्ट लिस्ट हुआ अभी तक, बाकी देखते हैं क्या सीन। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है।